बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, ओम बापू सरदार राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। हाँ जय हनुमान जी सरोजी करो जी। तुसी कराओ शुरू। हाँ जय जी बाबा हाँ जय बापू जी। आपकी सदा ही जय। ओम शहंशाह खंडे सदा। सतगुरु से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। तेरा नाम लगे बड़ा ही प्यारा। दीन दुखियों का तू है सहारा। तू जिसके लिए फिक्रमंद है, तू जिसके लिए फिक्रमंद है उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। तेरा दर है जहां से निराला। तेरा दर है जहां से निराला। वहां पहुंचे कोई किस्मत वाला। उसकी हस्ती सदा ही बुलंद है। उसकी हस्ती सदा ही बुलंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। तेरे दर्शन से झूम झूम जाऊं। मस्ती ऐसी मैं कैसे बताऊं। तेरे दर्शन से झूम झूम जाऊं। मस्ती ऐसी मैं कैसे बताऊं। तेरी शरणागत जिसको पसंद है। तेरी शरणागत जिसको पसंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। अपने हुक्म में रहना सिखा दो। अपने हुक्म में रहना सिखा दो। शैनशील मुझे तुम बना दो। शैनशील तुम मुझे बना दो। रहूं ऐसे जैसे तू रजामंद है। रहूं ऐसे जैसे तू रजामंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। बख्शनहार मुझे नए आजमाओ। बख्शनहार मुझे नाजमाओ। अवगुण सारे मेरे भूल जाओ। अवगुण सारे मेरे भूल जाओ। सरोज चरणों में खड़ी कर मंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। उषा चरणों में खड़ी कर मंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। दीप ज्ञान का बापू जला दो। दीप ज्ञान का बापू चला जला दो। रोशनी कर दो अंधेरे मिटा दो। रोशनी कर दो अंधेरे मिटा दो। तेरे सिमरन की दासी। तेरे सिमरन की दासी ख्वाहिशमंद है। तेरे सिमरन की दासी ख्वाहिशमंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। पूर्ण सतगुरु से जिसका संबंध है।
मुरली वाले से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। ओम बापू नंदा चोर वाले सदा ही जय, जय ओम सदा ही जय जय। सदा। वाह जी वाह, थैंक यू सरोज जी। गुलाटी साहब तुसी करवाओ। हाँ जी हाँ हाँ जी, जी हाँ जे जी हाँ जी हाँ सर कोमल जी लगाना चाहते ने, पहले कोमल जी आए ने, कोमल जी जो तुसी करवाना चाहते हो हाँ जी हाँ ओम जी नाम नहीं, का। कोमल जी हाँ तुसी जी अनम्यूट हो गए हो, बोलो थोड़ा जा। पहले पहले सिमरन हाँ जी, करा अच्छा लें, पहले सिमरन सिमरन करा लें करा लो, सिमरन फ्लाटी अंकल। करा लो। जोगिंदर सिंह ठीक जी, है कोमल जी, जोगिंदर मेरे बाद फिर तुसी प्यार सिंह जी, रहेगा। थोनों बना दिया। जय बापू दी मैया। जय बाबा। अच्छा कविता आ गई, कविता बना दूं आपको? हाँ जी ओके ओके जी, कराओ फिर, कराओ जी, कराओ। जय वाहिगुरु सत करतार सारिआं खालसा नूं। जी फतेह। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, तेरा सब सदका वाहे गुरु जी, तेरी सब रचना वाहे गुरु जी, सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा जी, हे सज्जन स्वामी मोरा, एक दे न बोले कोड़ा, सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु बोलिए कदे भी न डोलिए, वाहे गुरु बोलिए कदे भी न डोलिए, वाहे गुरु कहना सदा सुखी रहना, वाहे गुरु कहना सदा सुखी रहना, सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, सोए अचिंता जागे अचिंता, जहां तहां प्रभु तू वर्तनता, घर सुख पाया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दिराया, कहो नानक गुर मंत्र दिराया, सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, कवन संजोग मिलो प्रभु अपने, पल पल निमक सदार जपने, चरण कमल प्रभु के नित ध्यावो, कौन सुमत जित प्रीतम पावो, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, हर नानक विसर न काहू मेरे, सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी,
सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माय मिटावो, सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। चेतना है तो चेत ले निस दिन में प्राणी, छिन छिन ओद बेआत फूटे घट जो पानी, सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु फतेह। थैंक यू जी। हाँ जी कोमल जी अनम्यूट कर लो जी। सत श्री अकाल। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय। ओम शहंशाह झंडे की सदा ही जय। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम जी तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। ओम जी तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, जग को रचाने वाले तुम, दुख को मिटाने वाले तुम, बिगड़ी बनाने वाले तुम बिन हमारा कौन है। ओम जी तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, माता तुम ही पिता, बंधु तुम ही सखा, केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। ओम जी तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, कुछ भी नहीं हमें खबर, तेरी लगन को छोड़ कर, अब जाए तो जाए हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। ओम जी तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, तेरा भजन तेरा मनन, तेरी ही धुन तेरी लगन, तेरी शरण हरी शरण, तुम बिन हमारा कौन है। ओम जी तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है, हाँ जी हाँ जी, तुम आ गया आ गया। थैंक यू थैंक यू। हमारा कौन है। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी आपकी सदा ही सदा जय, ही झंडे की सदा ही जय। जय। थैंक यू थैंक यू गुराटी सर। थैंक यू। थैंक यू कोमल जी, बहुत सुंदर। हाँ जी ओम बापू नंदा। जय बापू दी सबको। जय बापू जी। जय बापू। हुन पै गया।
हुन पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले, हुन पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले। ओ ते ता खांदा सी मक्खन ते मिश्री, ओ ते ता खांदा सी मक्खन ते मिश्री, एथे खाने पैनगे दही भल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले। हुन पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले। ओ ते ता रहंदा सी राधा नाले, ओ ते ता रहंदा सी रुकमन दे नाले, ओ ते ता रहंदा सी राधा नाले, ओ ते ता रहंदा सी रुकमन दे नाल, एथे रहना पऊगा तेनु कल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले। हुन पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले। ओ ते ता नांदा सी गंगा किनारे, ओ ते ता नांदा सी यमुना किनारे, ओ ते ता नांदा सी गंगा किनारे, ओ ते ता नांदा सी यमुना किनारे, एथे नाना पऊगा टूटी थल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले। एथे नाना पऊगा टूटी थल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले। हुन पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले। हुन पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वाह जी वाह, बड़ा सुंदर भजन है ये। बड़ी दिनों के बाद सुना, बड़े साल के बाद सुना। हुण पै गया पंजाबियां दे पल्ले शाम तेरी बल्ले बल्ले। वाह जी वाह, बड़ा ही सुंदर है ये। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। एक वो भी है ना, जे श्यामा तू है वृंदावन, मैं भी जटी हूँ पंजाब दी। वो भी बड़ी दिन हो गए सुना नहीं किसी से, वो भी अगर आता है तो नेक्स्ट टाइम सुनाना। बहुत सुंदर। अच्छा जी, तो आपको अगर इनका इनको ऐड किया हुआ है पहले अपना। ओ बापू आपकी सदाई, ओम शहंशाह झंडे की सदाई, गुरुदेव दया कर के चरणों में लगा लेना, भव पारे उतरने की कोई युक्ति बता देना, गुरुदेव दया करके चरणों में लगा लेना, भव पार उतरने की कोई युक्ति बता देना। भटका हूँ चौरासे में, कहीं पाया ठिकाना ना, भटका हूँ चौरासे में, कहीं पाया ठिकाना ना, अब तक ना छूट सका आना और जाना ना, अब तक ना छूट सका आना और जाना ना, मुद से रूप्यासी, मुद से रूप्यासी, आके प्यास बुझा देना, गुरुदेव दया करके चरणों में लगा लेना, भव पार उतरने की कोई युक्ति बता देना। सदने को अजामल को जिस नाम निकारा था, सदने को अजामल को जिस नाम निकारा था, वही नाम तेरा सच्चा गणिता को उभारा था, वही नाम तेरा सच्चा गणिका को उभारा था, वही नाम दात सच्ची, वही नाम दात सच्ची,
प्यारी सी निगाहना गुरुदेव दया करके चरणों में लगा लेना भव पार उतरने की थोड़ी युक्ति बता देना। चावल वो सुदामा के लाऊंगा कहाँ से मैं, चावल वो सुदामा के लाऊंगा कहाँ से मैं, दिगन के बेर जूठे लाऊंगा कहाँ से मैं, बिलनी के बेर जूठे लाऊंगा कहाँ से मैं बालक हूँ तेरा, मैं बालक हूँ तेरा, उंगली न चुरा लेना गुरुदेव दया करके चरणों में लगा लेना सब पार उतरने की कभी युक्ति बता देना। तुम मात पिता सतगुर मैं शरण पढ़ूं तेरी, तुम मात पिता सतगुर मैं शरण पढ़ूं तेरी, प्रभु नाम गी से भर दो जोनी मेरी, प्रभु ना बंदगी से भर दो जोनी मेरी, इस दास निमाने पे इस दास निमाने पे रहमत बरसा दीना गुरुदेव दया करके चरणों में लगा लेना भव पार उतरने की थोड़ी युक्ति बता देना। बोल बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदाए, ओम शहंशाह झंडे की सदाए। ओम बापू नंदा चौरवालिया आपकी सदा ही जय, वाजिवा ओम शहंशाह झंडे की सदा ही जय। बहुत सुंदर, क्या बात है। दीन दयाल से तेरे, दीन दयाल से तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया तेरे, सब परिवार चढ़ाया तेरे, नाम जपो जी ऐसे है, नाम जपो जी ऐसे है, तू पर बात जपे ओ हर जैसे, तू पर बात जब हर जैसे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, जात दबावे ताऊ कमलनारे, जात दबावे ताऊ कमलनारे, ऐसे बेड़े को पार लगावे, ऐसे बेड़े को पार लगावे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया दे, सब परिवार चढ़ाया दे,
गुर प्रसाद रो श्री बोध समाधी श्री बोध समाधी झुक गई बिलावन जानी झुक गई बिलावन जानी दीन दयाल भरोसे तेरे दीन दयाल भरोसे सब परिवार चढ़ाया मेरे सब परिवार चढ़ाया मेरे कहो कबीर भजन सारंग बानी कहो कबीर भजन सारंग बानी गुरुवार पान सब एको बानी गुरुवार पान एको बानी दीन दयाल भरोसे तेरे दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया मेरे सब परिवार चढ़ाया मेरे राम जगो जी ऐसे ऐसे राम जगो जी ऐसे दुपरात जपो हर जैसे दुपरात जपो हर दीन दयाल भरोसे तेरे दीन दयाल भरोसे तेरे दीन दयाल भरोसे तेरे दीन दयाल भरोसे तेरे ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा ही जय। वाह जी वाह, कमाल करते जोगिंदर सिंह जी, तुसी ये सिद्ध करता भी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तुसी हौसला करके रोज कोशिश करके आज परफेक्ट बंदा तुसी ट्रैक लब लिया ढोलक ट्रैक, इस गल दी बड़ी मुबारक है, बहुत वधिया कमाल हो गई है, इन्ना आनंद आ गया। दीन दयाल भरोसे तेरे, वाह जी वाह। राम राम, राम राम, राम ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। पूछिया मंदरा क्या बापू आपकी सदा ही जय। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े याद आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े याद आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती, किसी और की अब मुझको दरगाह नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरगाह नहीं होती, मैं डरता नहीं जग से, मैं डरता नहीं जग से, जब राम साथ में है मैं डरती नहीं जग से, जब राम साथ में है मेरे दुख के दिनों में वो बड़े याद आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े याद आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, जब कोई नहीं आता
मेरे राम आते हैं, जो याद करे तुमको एक हल्का हो जाए, जो याद करे तुमको दुख हल्का हो जाए, जो भक्ति करे उनकी वे उनके हो जाए, जो भक्ति करे उनकी वो उनके हो जाए, ये बिन बोले कुछ भी पहचान जाते हैं, ये बिन बोले कुछ भी पहचान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े याद आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े याद आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, ये इतने बड़े होकर दोनों से प्यार करें, ये इतने बड़े होकर दोनों से प्यार करें, दोनों ने दीनों कहना है हमने मेरे ख्याल से जी, दीनों से प्यार करें मेरे ख्याल से, हाँ यही होगा, मैंने एक्चुअली पहला पढ़ा नहीं है, मैं तो ऐसे डायरी खोलती हूँ, जौन सा वजन सामने आता है वो बोल देती हूँ, मेरे को लगता है कि मैंने पहले बोल कोई बात, दीनों से ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें, ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें, अपने भक्तों के दुख को प्रभु पल में हरते हैं, अपने भक्तों के दुख को प्रभु पल में हरते हैं, सब भक्तों का कहना है प्रभु मान जाते हैं, सब भक्तों का कहना प्रभु मान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े याद आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े याद आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, मेरे मन के मंदिर में राम का वास रहे, मेरे मन के मंदिर में मेरे राम का वास रहे, कोई पास रहे ना रहे राम मेरे पास रहे, कोई पास रहे ना रहे मेरे राम पास रहे, मेरे व्याकुल मन को ये, मेरे व्याकुल मन को ये जान जाते हैं, मेरे व्याकुल मन को ये जान जाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, बोल नंदा चोर वालिया की सदा सियापति रामचंद्र महाराज, बहुत सुंदर, हाँ जी ओम बापू नंदा चोर वाले आए आपकी सदाई जय, स्वामी श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदाई जय, जग विच थुम्मा पईया श्रद्धा राम दिया, जग विच थुम्मा पईया श्रद्धा राम दिया, जग विच थुम्मा पईया श्रद्धा राम दिया, जग विच
थुम्मा पईयां शैधा राम दिया। शैधा राम जी प्रेम पुजारी, शैधा राम जी प्रेम पुजारी, चाले इनांदी जग तो न्यारी, चाले इनांदी जग तो न्यारी। सचमुच छातियां दिस दियां सुंदर शाम दियां, सचमुच चाकियां दिस दिया सुंदर शाम दिया। जग विच तुम्मा पईयां शैधा राम दिया, जग विच तुम्मा पईयां शैधा राम दिया। गोविंद दास पिता कर आए, गोविंद दास पिता कर आए, अट्टी पिंड दे पाग जगाए, अट्टी पिंड दे पाग जगाए। की सिफता सुनावा शैधा राम दिया, मैं की सिफता सुनावा शैधा राम दिया। जग विच तुम्मा पईयां शैधा राम दिया, जग विच तुम्मा पईयां शैधा राम दिया। माघ महात्म आप मनावण, माघ महात्म आप मनाव। दूरों दूरों संगतायाव, दूरों दूरों संगतायाव। नंद चोररी सा करदा बैकुंठ धाम दिया, नंद चोररी सा करदा बैकुंठ धाम दिया। जग विच तुम्मा पईयां शैधा राम दिया, जग विच तुम्मा पईयां शैधा राम दिया। डाडी काली नानी काली, डाडी काली नानी काली, बन गए ओम बाग दे माली, बन गए ओम बाग दे माली। मेरा इना ते होइया बाप हर नाम दिया, मेरा इना ते होइया बाप हर नाम दिया। जग विच तुम्मा पईयां शैधा राम दिया, जग विच तुम्मा पईयां शैधा राम दिया। उठ दास हुण छेती कर तू, उठ दास हुण छेती कर तू, हाथ जोड़ के बेनती कर तू, हाथ जोड़ के बेनती कर। मेरा मेरे ते कर दियो मस्ती दे जाम दिया, मेरा मेरे ते कर दियो मस्ती दे जाम दिया। जग विच तुम्मा पईयां शैधा राम दिया, जग विच तुम्मा पईयां शैधा राम दिया। ओम बापू शैधा राम जी महाराज आपकी सदा। जग विच तुम्मा पईयां, सुखदेव जी का भजन बहुत ही प्यारा है, जग विच तुम्मा पईयां शरदा राम। हां जी जय बापू जी जी। कांता जी आप लगाओ पहले हाथ, जी आपकी कल रह गई थी ना। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय। ओम शहन शाह झंडे की सदा ही जय। सारे संगत को जय। मिट्टी नंदा चोर दिए धन तेरे भाग ने, धन तेरे भाग ने, जिथे आविराजे मेरे ओम सरकार ने, जिथे आविराजे मेरे ओम सरकार ने। मिट्टी नंदा चोर दिए धन तेरे भाग ने, धन तेरे भाग ने, जिथे आविराजे मेरे बापू हर भगवान ने, जिथे आविराजे मेरे बापू हर भगवान ने। इस पावन धरती देव ते शीश निवांदे ने, इस पावन धरती देव ते शीश निवांदे ने। जो छड़ के स्वर्गा दे, जो छड़ के स्वर्गा नू तेरे दर्शन नू आंदे ने, जो छड़ के स्वर्गा नू तेरे दर्शन नू आंदे ने।
सजदियां मैं फिला सजदियां मैं फिला ते होंदे रंग राज ने होंदे रंग राज ने जिथे आ विराजे मेरी ओम सरकार ने जिथे आ विराजे मेरे बापू हर भगवान ने चारो दिशावां तो संगतां दियां तुरियां ने चारो दिशावां तो संगतां आंदियां तुरियां ने बापू दे द्वारे लैके मुरादां लैके मुड़ियां ने बापू दे द्वारे तो मुरादां लैके मुड़ियां ने दिन रात मेहरां वाले दिन रात मेहरां वाले जग दे चिराग ने जग दे चिराग ने जिथे आ विराजे मेरे बापू शरदा राम ने जिथे आ विराजे मेरे तुम सरकार ने चरना नू छू छू के मस्त हवावां आंदियां ने चरना नू छू छू के मस्त हवावां आंदियां ने तेरा वसदा रवे दरबार दातिया खैर मनांदियां ने तेरा वसदा रवे दरबार दातिया खैर मनांदियां ने थोड़ा साहब विच वेखो थोड़ा साहब विच वेखो महक दे गुलाब ने महक दे गुलाब ने जिथे आ विराजे मेरे ओम सरकार जिथे आ विराजे मेरे बापू शरदा राम ने धरती दे मालक ने डुबदे पार लगांदे ने धरती दे मालक ने डुबदे पार लगांदे ने दुनिया दे वाली ने शरदा राम कहांदे ने दुनिया दे वाली ने शरदा राम कहांदे ने होंदे ने इत्थे सारे लेखां दे हिसाब ने लेखां दे हिसाब ने जिथे आ विराजे मेरे बापू हर भगवान ने जिथे आ विराजे मेरे बापू हर भगवान ने मिट्टी नंदा चोर दिए तैनू मेरा प्रणाम है मिट्टी नंदा चोर दिए तैनू मेरा प्रणाम है जिथे आ विराजे मेरे बापू शरदा राम ने जिथे आ विराजे मेरे बापू शरदा राम ने मिट्टी नंदा चोर दिए धन तेरे भाग ने धन तेरे भाग ने जिथे आ विराजे मेरी ओम सरकार जिथे आ विराजे मेरे बापू शरदा राम जय बापू वाह जी वाह मिट्टी नंदा चौर दिए तैनू प्रणाम है बहुत सुंदर है कांता बहन जी बड़े प्रेम ना तुसी गा जय बापू नंदा चोर वाल्या आपकी सदा ही जय तेरे बिना गुरुदेव मेरा दिल नहीं लगदा तेरे बिना गुरुदेव मेरा दिल दिल नहीं लगदा ते मन नहीं लगदा दिल नहीं लगदा ते मन नहीं लगदा तेरे बिना गुरुदेव मेरा दिल नहीं लगदा तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगदा दिल वाले आ बेपरवा दे नाल इस दीन दयाल शाह दे नाल दिल लाल आ
बेपरवाह दे नाल इस दीन दयाल शाह दे नाल दिल लैके सजन तेरा की बनया दिल लैके सजन तेरा की बनया बाकी रहंदी जान भी लै जांदो असी बच जांदे इना मेनिया तो जे घर मान भी लै जांदो तेरे बिना गुरुदेव मेरा दिल नहीं लगदा दिल नहीं लगदा ते मन नहीं लगदा दिल नहीं लगदा ते मन नहीं लगदा तेरे बिना गुरुदेव मेरा दिल नहीं लगदा कोठे चढ़ चढ़ काग उड़ावा ते ओ सियां पावा काग उड़ावा ते ओ सियां पावा हो गईयां परेशान मेरा दिल नहीं लगदा हो गईयां परेशान मेरा दिल नहीं लगदा दिल लगदा ते मन नहीं लगदा दिल नहीं लगदा ते मन नहीं लगदा तेरे बिना गुरुदेव मेरा दिल नहीं लगदा लोकी मैनू मार देता ने आके मिल जा किसे बहाने लोकी मैनू मार देता ने आके मिल जा किसे बहाने मैं हो गया बदनाम मेरा दिल नहीं लगदा दिल नहीं लगदा ते मन नहीं लगदा दिल नहीं लगदा ते मन नहीं लगदा मैं हाँ तेरी तू है मेरा मैं हाँ तेरी तू है मेरा तेरे बिना है मेरा तेरे बिना हुन कौन है मेरा मैं हो जावा कुर्बान मेरा दिल नहीं लगदा मैं हो जावा कुर्बान मेरा दिल नहीं लगदा दिल नहीं लगदा ते मन नहीं लगदा दिल नहीं लगदा ते मन नहीं लगदा तेरे बिना गुरुदेव मेरा दिल नहीं लगता तेरे बिना गुरुदेव मेरा दिल नहीं लगता ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा ओम बापू लांबड़े वाले आपकी सदा सदा ही जय वाह जी वाह वीना बुआ बहुत सुंदर बड़े प्रेम ना बड़ा सुंदर प्रेम का भजन होना यार ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा ओम शहंशाह झंडे की सदा सतगुरु जान तो प्यारिया शायद नालो मिठा तेरा ना सतगुरु जान तो प्यारिया शायद नालो मिठा तेरा ना माता ईश्वरां दी अख दी अतारिया मैं तेनू बार बार सजदा करा माता ईश्वरां दी अख दी अतारिया मैं तेनू बार बार सजदे करा सतगुरु जान तो प्यारिया शायद नाल मिठा तेरा ना पिता गोविंदास जी दे राज दुलारे जी राज दुलारे जी सजदे करन आए अरशा तो तारे जी अरशा तो तारे जी पिता गोविंदास जी ते राज दुलारे जी राज दुलारे जी
ਸੱਜਦੇ ਕਰਨ ਆਏ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਜੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਜੀ ਅੱਟੀ ਪਿੱਟ ਜਨਮ ਸਿਤਾਰਿਆ ਨੰਦਾ ਚੋਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲੈ ਆਲਾ ਅੱਟੀ ਪਿੰਡ ਜਨਮ ਸਿਤਾਰਿਆ ਨੰਦਾ ਚੋਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲੈ ਆਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਤੂੰ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਕਿਤ ਖੇਲ ਲੈਨੇ ਆ ਰੇ ਤਾਈਓ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਤੂੰ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਕਿਤ ਖੇਲ ਲੈਨੇ ਆ ਰੇ ਤਾਈਓ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਦਿਸਦਾ ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਦਿਸਦਾ ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਆ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਦੇਸੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਚ ਜਗਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਚ ਜਗਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਚੋਲੀਆਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਏਰਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਚੋਲੀਆਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਏਰਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਆ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਮਾਤਾ ਇਸ਼ਰਾਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅਤਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂ ਬਾਪ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੀ ਕਲਮ ਜਵਾਬ ਦੇਵੀ ਕੀ ਲਿਖ ਪਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਪਾਵਾਂ ਜੀ ਬਾਪ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੀ ਕਲਮ ਜਵਾਬ ਦੇਵੀ ਕੀ ਲਿਖ ਪਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਪਾਵਾਂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਬਾਪੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਦੇ ਦੋ ਹੁਣ ਥਾਂ ਹਰ ਪਲ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਬਾਪੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਦੇ ਦੋ ਹੁਣ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਮਾਤਾ ਈਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅਤਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਜੀ ਇਸ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਭਜਨ ਹੈ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂ ਜਬ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਤੇ ਹੈ ਵੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਾਤੇ ਹੈ ਜਬ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਤੇ ਹੈ ਵੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਾਤੇ ਹੈ ਖੇਲੇ ਕਰਨ ਝੂਲੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਸਕਾਤੇ ਹੈ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨ ਧੂਲੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਸਕਾਤੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਆਨੇ ਸੇ ਸਭ ਮੰਗਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਆਨੇ ਸੇ ਸਭ ਮੰਗਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਆਪਣੇ ਭਗਤੋਂ ਕੋ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਵੋ ਆਪਣੇ ਭਗਤੋਂ ਕੋ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਜਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਤੇ ਹੈ ਵੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਾਤੇ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰੇ ਦਾਤਾ ਬਿਨਤੀ ਹਮ ਭਗਤੋਂ ਕੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰੋ ਦਾਤਾ
तन मन के दुख सारे सब दूर करो दाता। विनती हम भगतों की मंजूर करो दाता। विश्वास जो करते हैं वो सब कुछ पाते हैं। विश्वास जो करते हैं वो सब कुछ पाते हैं। जब सतगुरु आते हैं वो खुशियां लाते हैं। मेरा छोटा सा आंगन खुशियों से महक उठा। मेरा छोटा सा आंगन खुशियों से महक उठा। सतगुरु ने दिए दर्शन मन पंछी चहक उठा। सतगुरु ने दिए दर्शन मन पंछी चहक उठा। हम दर्शन कर करके फूले न समाते हैं। हम दर्शन कर करके फूले न समाते हैं। जब सतगुरु आते हैं वो खुशियां लाते हैं। जब सतगुरु आते हैं वो खुशियां लाते हैं। इस दासन दासी पर उपकार किया तूने। मेरी डूबती नैया को भव पार किया तूने। इस दासन दासी पर उपकार किया तूने। मेरी डूबती नैया को भव पार किया तूने। जब प्रेमी बुलाते हैं वो दौड़े आते हैं। जब प्रेमी बुलाते हैं वो दौड़े आते हैं। ले ले के चरण धूली प्रेमी मुस्काते हैं। ले ले के चरण धूली प्रेमी मुस्काते हैं। जब सतगुरु आते हैं वो खुशियां लाते हैं। जब सतगुरु आते हैं वो खुशियां लाते हैं। ओम बापू नंदा चोर वाल्या आपकी सदा ही जय। सदा ही जय। वाजी बापूवीन जी बहुत सुंदर भजन। जब सतगुरु आते हैं तो खुशियां लाते हैं। हाँ जी सदा ही। ओम शहंशाह झंडे की सदा ही जय। गुरु चरणा दी धूल मथे ते लावांगे। गुरु चरणा दी धूल मथे ते लावांगे। बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे। बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा नाले ऐसी लगन लगावांगे। गुरु चरणा नाले ऐसी लगन लगावांगे। बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे। बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे। पिंगा प्रेम दिया पाया ने। पिंगा प्रेम दिया पाया ने। टूटिया ते नहीं टूटनिया असा कासी कास पाया ने। टूटिया ते नहीं टूटनिया असा कस कस पाया ने। इना गंडा नू पक्किया होर बनावांगे। बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे। इना गंडा नू पक्किया होर बनावांगे। बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा दी धूल मथे ते लावांगे। गुरु चरणा दी धूल मथे ते लावांगे। बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे। बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा नाले ऐसी
लगन लगावांगे, गुरु चरणा नाल ऐसी लगन लगावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, एता प्रेम वाला सागर ए, एता प्रेम वाला सागर ए, जिना छाला मार लिया ओना पार लेगागरे, जिन्ना छाल मार लिया ओना पार लेगागरे, असी भी एथों गागर पर ले जावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, असी भी एथों गागर पर ले जावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, गुरु चरणा दी तूल मथे ते लावांगे, गुरु चरणा दी तूल मथे ते लावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, गुरु चरणा नाल ऐसी लगन लगावांगे, गुरु चरणा नाल सी लगन लगावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, एथे पागां वाले आंदे ने, एथे पागां वाले आंदे ने, गुरु चरणा दा दीदार करके चोलियां पर ले जांदे ने, गुरु चरणा दा दीदार करके चोलियां पर ले जांदे ने, असी भी दीदार करके जावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, असी गुरु जी दा दीदार करके जावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, गुरु चरणा दी तूल मथे ते लावांगे, गुरु चरणा दी तूल मथे ते लावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, गुरु चरणा नाल ऐसी लगन लगावांगे, गुरु चरणा नाल ऐसी लगन लगावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, चन पुन्या दा चढ़े आए, चन पुन्या दा चढ़े आए, सारे दर छोड़ के दर बापू जी दमले आए, सारे दर छोड़ के ते दर बापू जी दमले आए, असी भी एथे आके दर्शन पावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, असी भी एथे आके दर्शन पावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, गुरु चरणा दी तूल मथे ते लावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, गुरु चरणा नाल ऐसी लगन लगावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, बहुत सुंदर हाजिर है जगदीश जी, थैंक यू। जी जी गुरु प्यारी संत जी बड़ी खुशी का मौका है कि दास के कारण अचानक ही पुराने मेरे दो साथी जिन्हां जो मैं आप जी नूं रूबरू करा रहे हां ऐ हैगे ने जिहड़े सामने नजर आने स्क्रीन दे उत्ते सुमित जी हैगे ने बहुत सोहना सूफी कलाम गांदे ने ऐ मनीत जी हैगे ने बहुत ही पार्लियामेंट दे विच वड्डे वड्डे साहित्य कला परिषद दे प्रोग्राम जांदे रहिंदे ने ते इहनां दा मैं अप्रीशिएट कराया सी तबले दे उत्ते
अशोक कुमार मिश्रा जी ते बुद्ध प्रकाश जी इस तरह से कि साडा मन हैगा सी कि बापू दरबारा दे विच बड़े बड़े कवाल आंदे ने ते कुछ कवालियां मेरे बापू ने दास दे कोलों लिखवाईया गई ने ते उन्हां दी तैयारी वास्ते आज पहली सिटिंग हैगी है आ तबले वाले दे नाल ते आ जेड़े गान वाले आए ने ते तो इस करके आज थोड़ी रिहर्सल कर रहे गए हैं और इस करके अगली वारी असी प्रोग्राम फाइनल रिहर्सल करके भी एक घंटे का प्रोग्राम आप जी देंगे उदे जेड़े पोस्ट करने वाले भी मुंडे होंगे ने इन्हों साथ साह मिल जाता है तालियां बजाने वाले ते मैं अर्ज कर रहा एक बहुत पुरानी कवाली हैगी नुसरत फतेह अली दी ये जो हल्का हल्का सरूर है ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया तेरा एक मुखड़ा एक बंद सुना के फिर एक एक रचना सुनाएंगे आप जी नू ते मैं अर्ज कर रहे हैं अपने इन्हां नू बंधुआं नू कि वो अपना कलाम पेश करन। हाँ जी नंदा चोर वाले आपकी सदा ही जय। इरशाद इरशाद बहुत सुंदर स्वागत है जी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे हरभजन सिंह जी तो पिलर हैं हमारे इसके स्तंभ हैं पूरे सत्संग के तो इनके बिना अधूरा रह जाता है जिस दिन वो नहीं आ पाए तो हमें इनके ऊपर बड़ा नाज है बापू जी की बड़ी कृपा है बहुत ही सुंदर रचनाकार हैं जैसे आपको पता ही है सबको तो बहुत सुंदर है वी आर एक्साइटेड टू हियर सुनाइए आप कलाम पहली ऐसा माफ करना जो कुछ कभी आएगी बापू नजर कर रहे आप जी कविता ये आपकी सदा स्वामी श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदाए बन जाओ बड़भागी संत दर्शन करके 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 संत दर्शन कोई बिरला पावे संत दर्शन कोई बिरला पावे सोई किस्मत जागी संत दर्शन करके सोई किस्मत जागी बापू दर्शन करके बन जाओ बड़भागी कोई संत दर्शन करके बन जाओ बड़भागी संत दर्शन करके संत दर्शन का बड़ा महात्म बापू दर्श का बड़ा महात्म राम चरण अनुरागी राम चरण अनुरागी संत दर्शन करके बन जाओ बड़भागी संत दर्शन करके बन जाओ बड़भागी बापू दर्शन करके बापू दर्श की महिमा न्यारी संत दर्श की महिमा न्यारी दुख बिपता सौभागी बापू संत दर्शन करके संत दर्शन करके बन जाओ बड़भागी संत दर्शन करके संत दर्शन करके
संत दर्श है दुर्लभ जानो, संत दर्श है दुर्बल जानो, हर चरना लिबलागी, हर चरना लिबलागी, संत दर्शन करके बापू दर्शन करके बन जाओ बटपागी, संत दर्शन करके बन जाओ बटपागी, संत दर्शन करके संतों का संग भव जल तारी, संतों का संग भव जल तारी, संत दर्शन करके बन जाओ बटपागी, संत दर्शन करके, संत दर्शन करके, संतों का संग है तीर्थ जैसा, संतों का संग है तीर्थ जैसा, गावे वेद और रागी, गावे वेद और रागी, संत दर्शन करके, गावे वेद और रागी, संत दर्शन करके बन जाओ बटपागी, संत दर्शन करके बन जाओ बटपागी, संत दर्शन करके संत का दर्शन मन को मोहे, बापू का दर्शन मन को मोहे, संत का दर्शन मन को मोहे, बापू का दर्शन मन को मोहे, धोवे चोला धागी, संत दर्शन करके धोवे चोला धागी, संत दर्शन करके बन जाओ बटपागी, संत दर्शन करके बन जाओ बटपागी, संत दर्शन करके। ओम बापू नंदा चोरवालिया आपकी सदा ही जय, सब संतन की जय। बहुत सोना जी, बहुत प्रकाश ही ऐसी और करेंगे कि आप भी देखना कि आवाज आ रही है नहीं आ रही दासन। हाँ हाँ ओम शहंशाह झंडे की सदा ही जय। सभी को उनका उच्चारण करना है, गहरी सांस लेते हुए अंदर ओम की ध्वनि करनी है और फिर जो ध्वनि करते हुए रूप साथ में छोड़नी है। Oh,
राम जी महाराज आपकी सदा मैनू बापू रब लगदा जेड़ा सामने नजर पे आउंदा मैनू बापू रब लगदा जेड़ा सामने नजर पे आउंदा मैनू बापू रब लगदा जेड़ा सामने नजर पे आउंदा मैनू बापू रब लगदा जेड़ा सामने नजर पे आउंदा मैनू बापू रब लगदा
हाथ च पकड़ना ना मोबाइल जोगण होई तेरे दर्दी जोगण होई तेरे डाक्टर छट में किरे शेर आपके सामने ओ कोई रंग पीला कोई रंग सावा कोई गुलाबी सरकार कोई रंग पीला कोई रंग सावा कोई गुलाबी सरकार बुल्ले उपकार तेरा मेरी बापू भुलदा उपकार तेरा मेरी बापू भुलदा बिन तेरे किचड़ बड़ा बड़े हंसे किधर दूध किधर हंसे किधर बिन तेरा किसान कर सचिता सदा मैं बापू रखूँगा Thank you.
आपके चरणों में हाजिरी कबूल करना, कोई गलती हो गई हो तो माफ नहीं रहे। बहुत अच्छी हाजिरी थी आपकी, बहुत आनंद आया, बहुत सुंदर आपकी सिंगिंग, बड़ी सुंदर इनकी रचनाएं, बड़ी सुंदर। आवाज नहीं आती, आवाज नहीं आती, कोई बैक कैमरे तो खिंचोगे तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। सुमित कुमार दे और तबले दे उत्ते गए ने अशोक कुमार मिश्रा जी। अशोक कुमार मिश्रा जी बोलिया बोलन ते तुसी मोबाइल बैक कर दो बना होए ना जी, देखो मैं करना जरा थोड़ा रुक जाओ जरा फिर तुसी हले ओल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, अर्जुन जी की जय, उम्र बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा, आपकी सदा बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय, सब संतन की जय। वाह जी वाह, आज ऐसी प्रभु ने कृपा की कि मन में ये ख्याल आया कि जो भगवत गीता के जो श्लोक हैं, जो भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए अर्जुन जी के लिए, जो कि हमारी सबको समझाने के लिए, अर्जुन का तो एक माध्यम बना दिया उन्होंने, तो हम सबको समझाने के लिए तो प्रभु ने कृपा की महाभारत के वक्त पे कुरुक्षेत्र में, तो वो हमें जो संगीता जी को हमने गुजारिश की है, संगीता जी हमें ये रोज सुनाया करेंगे, दो चार श्लोक जितने भी हो सकेंगे, और उनकी साथ में ये व्याख्या किया करेंगे। ये हमारी कृपा की है प्रभु ने, भगवान कृष्ण ने कृपा की हम सब सत्संगियों के ऊपर के हम सब को इसका ये लाभ ले सके, इसको हम समझ सके। हैं जो संस्कृत में श्लोक भी ये पढ़ लेती हैं संगीता जी, संगीता गाबा जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रभु का धन्यवाद है, भगवान कृष्ण का, राधा जी का, मेरे बापू श्रद्धा राम जी का, और तो सभी संत जनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो हमें ये ख्याल आया कि ये भगवान कृष्ण के जो सारे श्लोक हैं वो पढ़ के संस्कृत में पढ़ के उनकी जो मतलब समझने की हम कोशिश करें। प्रभु हमें सद्बुद्धि बख्शे, जैसे आपने अर्जुन को सद्बुद्धि बख्शी, हमें भी सबको सद्बुद्धि बख्शे, और हम ये समझें कि हमें आप ज्ञान दे रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की, ये हम आज से ये शुरू कर रहे हैं। भगवान कृष्ण आपकी जय जयकार है, कोटि कोटि धन्यवाद है आपके चरणों में, सारी संगत का, सारी संगत के परिवारों का धन्यवाद, और जो भी इसको सुने इसका लाभ प्राप्त करें, जो भी इसको बाद में सुनेंगे, जो इस वक्त सुन रहे हैं, जो बाद में यूट्यूब पे सुनेंगे, उनको हमारा कृपा करना, सद्बुद्धि बख्शना, समझ सकें, और समझने के बाद वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, जो कोशिश करें ताकि जीवन हम अपना सफल कर सकें, जिस मकसद के लिए आपने ये मानव चोला दिया है उसको हम साकार कर सकें, प्रभु ऐसी कृपा करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पित मात स्वामी सखा हमारे, पित मात स्वामी
स्वामी तकाओ हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा श्री राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। हे सर्वदानंद सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म अजन्मा अमर अनंत सर्वव्यापक न्यायकारी दयामय ईश्वर आपकी महिमा का कोई पार नहीं और आपके शुभ नामों की भी कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि और देवता भी आपका पार ना पा सके तो हम मूढ़ अज्ञानी कैसे आपके नामों का वर्णन कर सकते हैं। हे महाप्रभु आप ऐसे दयावान हैं कि आप अपनी अपार दया से गूंगे को वाचाल तथा लंगड़े को परतों से फानने योग्य बना सकते हैं। हम तुच्छ जीवों को भी अपनी अपार कृपा से इस योग्य बनाइए कि सर्वदा आपके चरणारविंद का ध्यान रखते हुए संसार में अत्यंत हर्ष के साथ रहकर अंत को आपका शुभ धाम प्राप्त कर सकें। हे महाप्रभु ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। संगीता जी आप आपसे विनती कि आप कृपा करके ये श्लोक जो भगवान कृष्ण के वाह वाह उनके मुखारविंद से निकले हुए संस्कृत श्लोक वो भी हमें आप श्रवण कराएं और साथ में उनका अर्थ भी समझाया। धन्यवाद। बोल वांके बिहारी लाल की जय। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा सदा ही जय। मैं बापू जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी है। सारी सात संगत बापूजी की प्यारी लाडली संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। प्रणाम जी आपको प्रणाम। तो आज से हम एक प्रसिद्ध गीता भगवत गीता को शुरू कर रहे हैं जो मूल गीता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमें गीता को समझने जानने की आवश्यकता क्यों है। गीता एक लघु ग्रंथ होने के साथ साथ इसका सार बहुत ही अद्भुत है। गीता जी की महत्ता अपरंपार है। रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी अहिल्याबाई लोकमान्य तिलक जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उन्होंने हमारे ग्रंथों में गीता को कोहिनूर कहा है। और जाने कितने ही संत महंत इतने बड़े बड़े उन्होंने कितनी ही गीता की व्याख्याएं की कितने ही उनके बारे में सार को बताया। और आपने भी बहुत सारी ऐसी गीताएं सुनी होगी पढ़ी होंगी किंतु सबसे विशेष उनमें क्या है कृष्ण। पूरी जब भी हम गीता के बारे में बात करते हैं सबसे विशेष आते हैं कृष्ण और बाकी हम सब सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। तो मैं भी ये प्रयास करूंगी कि हम सब गीता के अर्थ को आसानी से मैं आपको समझा पाऊं और उसके जो मूल भाव है वो आप अपने जीवन में ला सके। कहने का भाव है कि सारांश में कहूं तो मैं गीता वो है जहां हमें हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। हम अपने रोज के अपने जीवन में देखते हैं कि दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है इसके पास और इसका हर अध्याय हर श्लोक में यदि हम स्वयं को अर्जुन समझेंगे तो हम जानेंगे कि अर्जुन को जो हर समस्या
हुई थी वही हमारी आज की भी है। और यदि हम अपने परमात्मा को अपना सारथी बना लें, अपने बापूजी को अपना सारथी बना लें, तो हमें भी हर समस्या का हल बहुत आराम से मिल जाएगा। वैसे महाभारत धर्म और अधर्म के बीच में होने वाले संघर्ष की गाथा है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर चलते हुए पांडवों को उनके हिस्से का राज्य देने से मना करते हैं। यहाँ धर्म की ही धर्म युद्ध की एक पाशर भूमि पर प्रकाश डाला गया है। संक्षेप में अतीत में घटित होने वाली घटनाएं जैसे खांडव वन का वृतांत, द्रौपदी का चीरहरण, पांडवों का वनवास और अज्ञातवास, यह सब इस युद्ध का कारण बने। जब युद्ध अटल हो गया तब भगवान स्वयं शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए। जब केवल 5 गांव मांगे जाने पर भी दुर्योधन के द्वारा एक सुई की नोक के बराबर भूमि देने से इनकार कर दिया, तब युद्ध होना निश्चित हो गया। आइए हम प्रभु के मुखारविंद से निकले हुए उन सुंदर श्लोकों का श्रवण करें। दर्शन भी करवा रहे हैं ये श्रीमद् भगवद गीता के, जिसमें आप करवा रहे हैं ये सारा। वाह 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 वाह, जय हो जय, बहुत सुंदर। ये पढ़ दें पहले, बाहर लिखा ये यदा यदा ही धर्मस्य, ये पहले करो वो। अच्छा वो जिनकी बुक है उसके बारे में दिया है वो उन्होंने। सबसे पहले प्रार्थना। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वासुदेव के पुत्र, हे देवता, हे प्रभु, कंस और चाणूर जैसे राक्षसों का वध करने वाले देवकी के परम आनंद के कारण हे कृष्ण, हे यादव, मेरा, हे जगत के गुरु, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः, मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ये पहला श्लोक प्रथम अध्याय का, जिसमें धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पहले श्लोक में हम देखते हैं कि धर्म शब्द को सार्थक किया है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, उसको शक था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा कि उन्होंने क्या किया। वह अश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक थी। वो नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई भी समझौता हो, अतः यह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। धृतराष्ट्र अंदर से बहुत भयभीत था। इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। कहने का भाव है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और अपने पुत्र मोह के कारण वो अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने की चाह में अधर्म के मार्ग पर चलने को आतुर थे। उन्हें पता था कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं है, क्योंकि कृष्ण हमेशा पांडु पुत्रों के साथ हैं, क्योंकि वो ही पवित्र हैं। और इस तरह धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों
और अपने भाई के पुत्रों के साथ एक अपना और पराये का भाव को प्रदर्शित किया है। इसीलिए उसने पूछा कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में माम का पांडवाश्चैव कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। भगवान यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पुत्र, मेरा घर, मेरी संपदा, मेरा पैसा, जहां पर मैं की भावना अधिक आ जाती है तो उसका फिर विनाश होना अवश्य हो जाता है, उस घमंड को तोड़ना आवश्यक बन जाता है। इसलिए हमें कभी भी अपने जीवन में मैं को नहीं आने देना चाहिए। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, धृतराष्ट्र भी यही चाहते थे कि पांडु पुत्रों को इस पूर्ण राज्य से हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, उखाड़ फेंक दिया जाए। परंतु कृष्ण जानते थे कि इस कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पुत्र ही अवांछित पौधे हैं, इसलिए उनको नष्ट करके युधिष्ठिर द्वारा धर्म की स्थापना करना अति आवश्यक है। दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहे। धृतराज जन्म से तो अंधा था, दुर्भाग्यवश उसकी अध्यात्मिक दृष्टि भी वंचित हो गई थी। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास गए और उन्हें स्थिति से अवगत कर पाया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, जो उसको बचपन से ही बहुत पसंद था कि सभी लोग उसे ही राजा माने, सारी प्रजा उसको ही राजा कहे, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। श्लोक क्रमांक 3। पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्ये महतीं चमुं व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। दुर्योधन महान ब्राह्मण द्रोणाचार्य, सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को यहाँ इंगित करना चाहते हैं। उन्हें एक तरह से ताना मार रहे हैं कि अर्जुन कि देखिए द्रोणाचार्य, जिन्हें आप भली भांति जानते हैं, जिन्हें आपने इतनी युद्ध शिक्षा दी, जैसे धृष्टद्युम्न और अर्जुन, द्रोणाचार्य को तो इसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। कहने का भाव है कि द्रोणाचार्य को तो गुरु है, उनके लिए कोई भी कि ये मेरा मित्र है, ये मेरे शत्रु का है या मेरे मित्र का बच्चा है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन दुर्योधन कह रहा था कि जिन्हें आपने शिक्षा दी, जिनको आपने अपने सारे रहस्य बताए, आज वो पांडवों की तरफ हैं और उनके व्यूह की रचना भी आप भली भांति जान लीजिए। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे, विशेष रूप से अर्जुन, उसका अत्यंत प्रिय
और तेजस्वी शिष्य था दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हमारी हार हो सकती है। आज के श्लोकों को यही विराम, कल से आगे के श्लोकों का श्रवण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। एक छोटा सा भजन, क्यों करता है तू मेरा मेरा, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, क्यों करता है तू मेरा मेरा, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, बाद में प्यारे तू बच नहीं पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, ओ पापे मन कर ले भजन, बात में प्यारे पछता गा, जब पिंजरे से पंछी निकल जा गा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पाया मनुष्य तन फिर क्यों तू रोया, मोह माया के मद में क्यों खोया, सुंदर जीवन दिया प्रभु ने उसके ही गुण गाए जा, अपने हृदय को अनिरुद्ध भक्ति में लगाए जा, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बात में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओम बापू नंदाचार वाल्या बोलो, बाके बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, इतने प्रेम से और इतने आपको इस बात की आपको बधाई है कि आपकी संस्कृत भी शुद्ध है, हिंदी भी शुद्ध है, उच्चारण भी इतना सुंदर और इतने सुंदर तरीके से आपने ये श्लोक और उनकी व्याख्या की, आपको बहुत बहुत बधाई। और हम सब भी बधाई के पात्र हैं जो ये सुन रहे हैं और आप इस सत्संग का हिस्सा हैं, अब ये अटूट हिस्सा है, और ये बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और ये जैसे आपने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता के, ऐसा नहीं है कि बस उस वक्त ही ये मतलब कि उसका ज्ञान प्राप्त करने का उसी वक्त लाभ था, इस युग में भी हमेशा आने वाले सभी युगों में भी, चाहे वो आप व्यवसाय में हैं, चाहे वो आप राजनीति में हैं, चाहे किसी भी फील्ड में आप हैं, तो उनको ये बहुत भारी इसका लाभ होता है, इसीलिए सारी दुनिया इसको मानती है। ये बहुत बड़ी बड़ा मन को बड़ा अच्छा लगता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जाके अगर देते हैं तो ये जो उपहार के रूप में श्रीमद् भगवद गीता देते हैं तो मन को बड़ा तसल्ली होती है। अभी बाबा ये भगवान कृष्ण की बड़ी लीला है, वो तो बड़ा आनंद मिलता है के जो सबसे बड़े जैसे भगवान कृष्ण ने जो जो शिक्षाएं दी हैं जो हम जीवन जी, में उतार रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी भी कोशिश करेंगे तो भी जीवन सफल हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आज शुरू करवा दी है प्रभु ने ये श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, जो मेरे बापूजी की इच्छा, मेरे बापूजी की यही इच्छा थी तो मैं उसको पूरा निभाने की कोशिश करूंगी। वाह बापूजी, इसी तरह हम पर कृपा बनाए रखे।
बहुत धन्यवाद संगीता जी, और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे मेरे मन में ऐसा दास गुप्त प्रकाश के मन में ऐसी 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 इच्छा प्रकट हुई कि ये सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जो वैसे तो गीता माता पिताजी माता जी हमें बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन ये जो संस्कृत के साथ साथ सुनने का वो जो पूरा वो जो खुद भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए त्रिलोकी के मालिक वो वाले जो शब्द कानों में पढ़ेंगे तो हम सब का भरा हुआ, हम सब का नहीं जो सुनने वाले होंगे अपने परिवार वाले अपने जान का जिनको जो भी सुनेंगे इनको उनका कल्याण होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और अगर हम एक अगर हम एक भी श्लोक लें तो पूरे दिन में भी उसकी व्याख्या नहीं हो पाएगी, पर मेरा ये प्रयास है कि जो भी श्लोक आए उनका थोड़ा थोड़ा सा मीनिंग पता चलेगा तो हमें समझ भी आएगी। हम ज्यादा गूढ़ व्याख्या में जाएंगे तो फिर सबका मन नहीं टिक पाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि हर एक का थोड़ा अर्थ हमें पता चले और हमारे जीवन में जो भी समस्या परेशानी है उसी तरह हम परमात्मा को अपना गुरु मानकर उनसे अपनी सब प्रॉब्लम शेयर कर सके और वो हमें सही मार्ग दिखाए। हमारा ये फर्ज बनता है कि जब हमारे जीवन में भी कोई उलझन आ जाए तो हम भी अपने गुरु की शरण में जाए, उनसे हर समस्या का समाधान मांगे। कुछ और तो दूसरे ग्रंथ चल रहे थे, सरला मासी जी का भी मन था एक समय पे, इन्होंने भी ये याद कराया था भी हमें श्रीमद् भगवत गीता या रामायण या कुछ भी ऐसा पढ़ना दी, तो चलो प्रभु कृपा करेंगे सभी धर्म ग्रंथों को इस सत्र में पढ़ा जाएगा, समझने की कोशिश की जाएगी, ऐसा मेरा मन है, ऐसी एक आस, ऐसा एक विश्वास, ऐसी एक प्रयास है। चलो कृपा करें प्रभु, बापू जी हमारा सबका प्रयास पूरा करें। वही शक्ति देने वाले हैं, वही सद्बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। जय जय बापू जी, जय जय भगवान के बिहारी लाल की जय। गुरु मेरे सोने गुरु मेरे प्यारे गुरु जी दर तेरे आवा दिल करदा मैं वापस ना जावा मेरे सोने गुरु जी मेरे प्यारे गुरु दर तेरे आवा ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा तेरे नाम वाला पाया मैं गाना मैनू भूल गया सारा जमाना तेरे नाम वाला पाया मैं गाना मैनू भूल गया सारा जमाना मेरे सोने गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी जद मैं आवा ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा तेरे नाम वाला पाया मैं गहना मैनू भूल गए पाई ते बहना तेरे नाम वाला पाया मैं गहना मैनू भूल गए पाई ते बहना मेरे सोने गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी दर तेरे आवा ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा तेरे नाम वाली चढ़ गई कुमारी मैनू भूल गई दुनिया सारी ओ तेरे नाम वाली चढ़ गई कुमारी मैनू भूल गई दुनिया सारी मेरे सोने गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी जद मैं आवा ओ दिल करदा मैं मैं
ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਲਾਲਈ ਮਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਬੋਲ ਬਾਪੂ ਨੰਦਾ ਚੋਰ ਵਾਲਿਆ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਐਨੀ ਮਧੁਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਐਨਾ ਸੁੰਦਰ ਤੂੰ ਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਕੀ ਦੱਸ ਵੇ ਕਨਈਆ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੱਖਣ ਖਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਆ ਦੱਸ ਵੇ ਕਨਈਆ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਏ ਇੱਕ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਮਰੋੜੀ ਏ ਇੱਕ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਮਰੋੜੀ ਏ ਦੂਜੀ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਚੂੜੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਏ ਦੂਜੀ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਚੂੜੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੀਜੀ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੀਜੀ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ ਏ ਦੱਸ ਵੇ ਕਨਈਆ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੱਖਣ ਖਾਦਾ ਕਿੰਦੀ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਏ ਇੱਕ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਇੱਕ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਦੂਜੀ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਦੂਜੀ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਟਕੀ ਫੋੜ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੀਜੀ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਟਕੀ ਫੋੜ ਦਿੱਤੀ ਏ ਦੱਸ ਵੇ ਕਨਈਆ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਮੱਖਣ ਖਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਏ ਇੱਕ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਇੱਕ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਦੂਜੀ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਗਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਦੂਜੀ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਗਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਤੀਜੀ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੀਜੀ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਦੱਸ ਵੇ ਕਨਈਆ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੱਖਣ ਖਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਏ ਇੱਕ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਚ ਕੇ ਵਖਾ ਦੇ
ਇੱਕ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਵਖਾ ਦੇ, ਦੂਜੀ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਸਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਦੂਜੀ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਸਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਦੱਸ ਵੇ ਕਨਈਆ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਏ, ਇੱਕ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਇੱਕ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਏ ਰੋਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਏ ਰੋਕਦਾ, ਤੀਜੀ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਦੱਸ ਵੇ ਕਨਈਆ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਏ, ਕਿੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੱਖਣ ਖਾਧਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਏ, ਨੰਦ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਝਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਨੰਦ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਝਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਏ, ਮੰਝਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤਾਨੇ ਸਹਿੰਦਾ ਏ, ਮੰਝਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤਾਨੇ ਸਹਿੰਦਾ ਏ, ਤੇਰਿਆਂ ਉਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੇਰਿਆਂ ਉਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਦੱਸ ਵੇ ਕਨਈਆ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਏ, ਕਿਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੱਖਣ ਖਾਧਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਏ, ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੱਖਣ ਖਾਧਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਏ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੱਖਣ ਖਾਧਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਏ, ਦੱਸ ਵੇ ਕਨਈਆ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਏ, ਕਿੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੱਖਣ ਖਾਧਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਏ, ਦੱਸ ਵੇ ਕਨਈਆ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਏ। ਬੋਲ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ I want to see you with all the thoughts of Jai 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 Jai
बहुत सुंदर शालू जी, बहुत सुंदर ये आपका ये भजन जो है, बड़ा सुंदर भजन आपने किथे लस्सी पीती राधा जी, तो कृष्ण के भजन बोलेंगे ना। हाँ बिल्कुल, आज तो बिल्कुल कृष्ण भगवान के भजन बोलो। इस ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗੋਪਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਪਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੜਾ ਨਟਖਟ ਕਾਨਾ ਨਟਖਟ ਹੁੰਦਾ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੈ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਕਾਰਾ ਲਗਾਓ। ਓਮ ਬਾਪੂ ਨੰਦਾ ਚਾਰ ਵਾਲਿਆ ਆਪੀ ਸਦਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਨੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਮਾਲੋ ਮਾਲ, ਨੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਮਾਲੋ ਮਾਲ, ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ, ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ। ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰ ਮੇਰ ਦਾ ਤੇ ਦਰਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ,
सिर मेरे दात है दरिया, बदली किस्मत मेरी कमाल, अखियां लग गई सतगुर नाल, बदले किस्मत मेरी कमाल, अखियां लग गई सतगुर नाल, अखियां लग गई सतगुर नाल, नी मैं हो गई मालो माल, अखियां लग गई सतगुर नाल, नी मैं हो गई मालो माल, वारी जावा वेख नजारे, जग तो वखरे जग तो न्यारे, वारी जावा वेख नजारे, जग तो वखरे दुनिया तो न्यारे, तू है हर दम मेरे नाल, अखियां लग गई सतगुरु नाल, तू है हर दम मेरे नाल, अखियां लग गई सतगुरु नाल, नी मैं हो गई मालो माल, अखियां लग गई सतगुरु नाल, नी मैं हो गई मालो माल, अखियां लग गई सतगुरु नाल, अर्ज करा कदी चरना तो दूर करी ना, अर्ज करा कदी चरना तो दूर करी ना, अखियां तो कदी दूर करी ना, तू अंग संग रही मेरे नाल, तू सदा अंग संग रही मेरे नाल, अखियां लग गई सतगुरु नाल, अखियां लग गई गई सतगुरु नाल, नी मैं हो गई मालो माल, अखियां लग गई प्यारे दे नाल, नी मैं हो गई मालो माल, सारे जग दा पीर इलाही नंदा चार वाला, पीर इलाही नंदा चार वाला, सारे जग दा है रखवाला, पीर इलाही नंदा चार वाला, सारे जग दा है रखवाला, ओ ता करदा नजर नाल कमाल, अखियां लग गई सतगुरु नाल, करदा नजर नाल कमाल, अखियां लग गई सतगुरु नाल, नी मैं हो गई मालो माल, अखियां लग गई सतगुरु नाल, दास तेरे नू तेरियां लोड़ा, तेरे घर विच कादियां थोड़ा, दास तेरे नू तेरियां लोड़ा, तेरे घर विच कादियां थोड़ा, रहमता वंडदा नालो नाल, अखियां लग गई सतगुरु नाल, रहमता वंडदा नालो नाल, अखियां लग गई सतगुरु नाल, नी मैं हो गई मालो माल, अखियां लग गई सतगुरु नाल, हो गई मालो माल, अखियां लग गई सतगुरु नाल, नी मैं हो गई मालो माल, अखियां लग गई प्यारे दे नाल, ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदाई, ओम शहनशाह झंडे की सदाई। कृपा कटाख अवलोकन की नो दास का दुख बिदा रहे हो, नजर दे नाल एक नजर पा देने ते जीवन बदल देने ने, ऐसा अखियां लड़ गईं सतगुरु नाल, नी मैं हो गया मालो माल, हो गई मालो माल। बहुत सुंदर मासी जी भजन, जय हो। हाँ जी, जय बापू जी, जय बापू, आपकी सदा ही जय हो। जैसा कि बापू गुरदास राम जी का जन्मदिन आ रहा है, तो बापू गुरदास राम जी के जीवन प्रसंग का वर्णन श्री नारायण चरितामृत के अनुसार, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शास्त्र ही कहते हैं कि गुरु की मूर्ति यानी कि जो गुरु का स्वरूप है वही ध्यान का मूल है, और गुरु के श्री चरण वो पूजा का मूल है, और गुरु के वचन मंत्र का मूल है, और गुरु की कृपा ही मोक्ष का मूल है। तो ऐसे ही गुरु हमारे हुए हैं श्री गुरु रामदास जी, एक ऐसे ज्ञानी, एक ऐसे साधक जिन्होंने अनंत कोटि महापुरुष वाला जीवन जिया, और जो जीवन मुक्त थे, सागर के समान बड़ी गंभीर, धीर
और पृथ्वी के समान वो सहनशील थे, आकाश की भांति वो अनंत थे। स्वामी श्री बापू गुरुदास राम जी निष्काम प्रेम उनके जीवन का आदर्श था और मधुरता उनका स्वभाव था। उनकी हर श्वास में बापू की राम नाम की मधुर झंकार थी। नेत्रों में भक्ति ज्ञान वैराग्य की अद्भुत त्रिवेणी का संगम था बापू गुरुदास राम जी की। और ऐसे जीते जागते साकार रूप थे वो ईश्वर कोटि संत जिनका नाम था श्री गुरुदास राम जी। गुरुदास राम जी के जो जन्म का उद्देश्य था वो तो पहले से ही बापू ओम नारायण दत्त जी महाराज जी ने निर्धारित कर दिया था। बापू ओम जी जिस आध्यात्मिक पुंज को भविष्य में दरबार की सेवा में लगाना चाहते थे उस दिव्य आत्मा के माता पिता बनने का सौभाग्य उन्होंने अपने अनन्य भक्त लघु राम और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती हुक्म देवी को दिया। ये जो लघु राम जी थे ये पंजाब के जलंधर शहर के दोसांझ कला गांव में रहते थे और बड़े प्रतिष्ठित हकीम थे लघु राम जी। तो वेदों और पुराणों का बड़ा उन्होंने अध्ययन किया था लघु राम जी ने। इनका जीवन जो था लघु राम जी का वो भी संत के जैसा था। बड़े निष्काम भाव से समाज की सेवा करना और बड़ा ही भक्त हृदय, बड़ी मीठी आवाज से कीर्तन करना। और लघु राम जी जो थे वो शास्त्रीय संगीत को भी बहुत अच्छा जानते थे और बापू ओम जी की तो बहुत ही प्रिय शिष्य थे। उनसे दीक्षा प्राप्त की, साधना उपासना करते थे और इन्होंने अपने घर में एक चौबारे पे बापू ओम जी का एक स्थान बना रखा था जिसमें नित्य प्रति ध्यान पूजन करना। और जो इनकी पत्नी थी श्रीमती हुकुम देवी जी, लघु राम जी की पत्नी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन वो आध्यात्मिक शिक्षा में बिल्कुल भी पीछे नहीं थी। वो क्या करती थी, दिन रात सुबह शाम उनका नियम था उन्होंने बापू जी का ध्यान करना, वेद पुराण धार्मिक पुस्तकों का उन्होंने पाठ करना, फिर उनको अपने सिर पे रखना और सिर पे रख के घर के चौबारे में जो उन्होंने बापू ओम जी का पलंग रखा हुआ था उसके तीन बार वो चक्कर लगाते थे जिसे प्रदक्षिणा कहते हैं करना, वो तीन चक्कर लगाती थी, फिर आरती करती थी उनकी पत्नी, तो तब उनके दैनिक कार्य पूरे होते थे। तो दोनों पति पत्नी लघु राम जी भी और श्रीमती हुक्म देवी जी भी दोनों नंदा चोर में जाते थे बापू जी के दर्शन करने और बापू जी उन्हें प्रसाद देके विदा करते थे। तो जब ये वापस आते थे अपने गांव में तो सांझ कला में ये कभी रास्ते में रुकते नहीं थे लघु राम जी, सीधे इन्होंने घर जाना और वहां जाके अपनी पत्नी को आवाज लगानी घर में जाके, और वो कहते थे अपनी पत्नी से कि स्नान करके आओ। और जो बापू जी ने प्रसाद दिया होता था जब वो स्नान करके आती थी तो फिर उनकी झोली में डालते थे कि अब झोली में ये प्रसाद स्वीकार करो। जब तक उनकी पत्नी स्नान करके नहीं आती थी तब तक वो प्रतीक्षा करते रहते थे, दरवाजे पे खड़े रहते थे, फिर उसके बाद वो कोई काम करते थे। तो लघु राम एक बेटा था लेकिन वो देवयोग से ऐसे में ही जो है काल कवलित हो गया था। लघु राम जी बड़ी सेवा करते थे नंदा चोर में जाके, और जब वो जाते थे नंदा चोर तो बापू ओम जी के लिए ना भोजन बनवा के लेके जाते थे और बड़ी श्रद्धा से अपने सिर पे रख के वो ले जाते थे। और बापू जी तो इतने खुश रहते थे उनसे बहुत ही ज्यादा। अब एक दिन ना लघु राम जी बापू ओम जी की सेवा में खड़े हुए थे तो थड़ा साहिब जाते हुए रास्ते में एक आम के पेड़ के पास ओम जी रुक गए। उन्होंने दो आम तोड़े और लघु राम जी की झोली में डाल दिए। अब जो पहला आम दिया था उसे वापस निकाल लिया और जो दूसरा आम था वो लघु राम जी की झोली में ही रहा। फिर पहला आम वापस देते हुए बापू जी ने फरमाया कि ओम ये हमारे ये जो मैं आपको ये दे रहा हूँ आपको ये कहा कि यह हमारे दरबार की ईंट होगा और समय आने पे हम इसे वापस ले लेंगे, जो दूसरा आम है वो आपका ही होगा। ये ओम बापू जी फरमा रहे हैं लघु राम जी को वो दो आम लेते हुए कि पहला आम हमारे ईट होगा दूसरा आपका ही होगा। ऐसे आशीर्वाद से लघु राम जी को दो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जो उनके बड़े बेटे थे। बड़े बेटे का जन्म 31 भादो विक्रमी संवत
1973 में ये 16 सितंबर 1916 को हुआ और बड़े बेटे का नाम था गुरदास राम और जो उनका छोटा बेटा था उसका नाम शिवदत्त। दो बेटियां भी हुई लब्बू राम जी को, ज्ञान देवी और शीला देवी। अब जो बड़े पुत्र थे गुरदास राम जी, वो तो बचपन से ही ये दिखाई देने लगा था कि संतों का उनके जीवन पे कितना असर हो रहा है। संतों की कृपा से ही तो ये अवतार रूप आए, बापू ओम जी की कृपा से तो अवतार रूप आए। उनके जितना भी व्यवहार था गुरदास राम जी का, वो और बच्चों से बड़ा हटके था। 5 वर्ष की अवस्था में जहाँ बच्चे सारा दिन खेलते रहते हैं, गली में बाहर खेल कूद करते रहते हैं, वो तो अपने पिता के साथ बैठ के ध्यान करते थे बापू गुरदास राम जी। और हमेशा अपने पिताजी से कहते हैं, बापू जी कहते मुझे भी ऐसी छोटी धोती लेके दो, मैं भी ऐसी धोती पहनूंगा। तो बिल्कुल अलग आदतें थी उनकी सामान्य बालकों से। और जब वो इतने भजन सुनते थे, कीर्तन सुनते थे, तो उनके मन में भी हर समय यही रहता था, संगीत के प्रति बहुत ज्यादा रुचि उनकी बढ़ गई बापू जी की। और कीर्तन सुनते तो इतने आनंद में मग्न हो जाते, जहाँ कहीं भजन सुनते, कवाली सुनते, तो सुनते रहते कि कहाँ से आवाज आ रही है, और फिर उसी तरह चल पड़ते थे। वहीं पे जहाँ कीर्तन होता था वहां पे जाके बैठ जाते थे बापू जी। तो ऐसे बापू जी थे, अपने पिताजी के साथ ये नंदा चोर भी बहुत जाया करते थे बापू गुरदास राम जी। और जब ये वहां पे देखते थे बापू हरनाम जी को और बापू शुद्धा राम जी को, तो बड़ा इनका हृदय रोमांचित हो उठता था बापू गुरदास राम जी का, बड़े आनंदित हो जाते थे उनको देख के। समय बीता, धीरे धीरे जो बड़े हुए, शिक्षा का समय आया, तो गुरदास राम जी बड़ी तेज बुद्धि के थे और अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने बीए किया बापू जी ने। पंजाबी में भी उन्होंने जो है बड़ी, उनका बड़ा ज्ञान था, पढ़ने का उनको बड़ा शौक था। जब भी उन्हें कोई चीज सीखने को मिलती ना, तो वो मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। स्कूल की पढ़ाई करी उन्होंने, कॉलेज की पढ़ाई की, साथ साथ उन्होंने अपने पिता के काम में भी हाथ बटाया बापू जी ने। पूरे पंजाब के अंदर उनका जो परिवार था वो आयुर्वेद के क्षेत्र में, उनके पिताजी को आयुर्वेद का बड़ा ज्ञान था, बड़ा एक सम्माननीय स्थान रखता था बापू गुरदास राम जी का परिवार। अब लब्बू राम जी ये चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो भी इस जो चली आ रही है पैतृक परंपरा तो चली आ रही है, इस गुण को वो अपना आत्मसात करे और वो भी यही काम करे। लेकिन अंदर से तो थी लगन भगवान की तरफ, कीर्तन संगत की तरफ थी, अपने पिता के भी बड़े आज्ञाकारी थे, उनकी इच्छा का सम्मान भी करते थे, तो सारी चीजें सीख भी रहे थे, पूरा आयुर्वेद का ज्ञान सीख रहे थे बापू जी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक ऑपरेशन देखा और उस ऑपरेशन में उन्होंने देखा कि बड़ा ना खून बह रहा है। जो मरीज वहां बैठा हुआ था तो इतना खून बहता हुआ देख के बड़े विचलित हो गए बापू गुरदास राम जी। तो उनका मन ना हट गया, उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मेरा मन अब इस ओर नहीं लगेगा, मैंने आज इतना खून बहता हुआ देख लिया है इसका। तो उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और नौकरी करनी शुरू कर दी। लाहौर, शिमला, पटियाला, चंडीगढ़, कई जगह उन्होंने जो है जॉब की। और पंजाब लोक सेवा आयोग के फूड और जो सिविल सप्लाई विभाग है वहां पे वो बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करते रहे। बापू गुरदास राम जी बहुत अच्छे भाषाविद थे, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, सारी भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था बापू जी को। और उनकी लेखन शैली इतनी प्रभावशाली थी कि उनको वो जो लेटर लिखते थे बापू गुरदास राम जी, चाहे वो उनके पर्सनल हो, व्यक्तिगत हो, या वो किसी ऑफिस के हो, पढ़ने वाला तो बस एक विशेष प्रभाव छोड़ते थे उनके लेटर। और जब इंग्लिश में बात करते थे तो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर लेते थे, इतना सुंदर बोलते थे बापू जी। कानून संबंधी ज्ञान उनको था, कोई ऐसा सरकारी कार्य प्रणाली नहीं थी जिसके बारे में वो नहीं जानते थे। और गरीबों की तो इतनी सहायता करते थे, कोई ऐसा व्यक्ति होता ही था कि जो उनके पास मदद के लिए आए और वो उसकी मदद ना करे। और रोते हुए उनके पास आते थे लोग और हंसते हुए जाते थे, हमेशा हमेशा सहायता करने के लिए, ना दिन देखना ना रात देखनी, बापू गुरदास राम जी हमेशा तैयार रहते थे। साथ साथ नौकरी करते थे और साथ साथ साधना करते थे, कीर्तन, भजन, सत्संग, प्रभु का ध्यान करना। एक बार वो लाहौर में गए हुए थे अपनी हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए गए हुए थे।
तो बापू जो श्रद्धा राम जी महाराज जी हैं वो लाहौर जाके गुरदास राम जी से मिले और उन्हें आशीर्वाद दिया। बापू श्रद्धा राम जी ने कहा कि मैंने जो देखना था ना वो देख लिया। बापू श्रद्धा राम जी कह रहे हैं कि मैंने जो देखना था वो देख लिया। और बापू जी के इन शब्दों का ये मर्म तो बाद में पता लगा कि उन्हीं बापू गुरदास राम जी ने बाद में नंदाचोर का जो कार्य है वो सारा संभाला। तो बापू जी तो जानते थे, बापू श्रद्धा राम जी तो जानी जहान थे, सब जानते थे और वो जानकर ही उन्होंने ये वाक्य कहे थे जो बाद में पूर्ण रूप से सिद्ध हुए। 1937 में 1937 में इनका विवाह जो हुआ कंग जगीर निवासी जो सावित्री देवी हैं उनके साथ हुआ और गृहस्थ जीवन भी बापू जी की कृपा से बड़ा सुखमय रहा इनका। और विवाह के बाद दोनों पति पत्नी ने बापू श्रद्धाराम जी से दीक्षा पाई और बापू श्रद्धाराम जी तो गुरदास राम जी में इतना स्नेह रखते थे वो उनको अपना बेटा मानते थे, बिल्कुल बेटे की तरह व्यवहार करते थे और जो उनकी पत्नी सावित्री देवी थी उनको अपनी बहू समझते थे और उतना ही प्यार करते थे जैसे बेटे बहू को करते हैं। बापू श्रद्धाराम जी जो थे वो गुरदास राम रहने जाया करते थे, बहुत बार रहने जाते थे तो काफी जो है उनके विचार विमर्श जब रहते थे तो गुरदास राम जी क्या करते थे, बापू गुरदास राम जी वो जो बड़े गहरे वन होते थे जंगल वहां पे चले जाते थे और वहां पे जाके जो साधु बैठे होते थे जैसे वो तपस्या करते थे ऐसे गुरदास राम जी महाराज जी तपस्या करते थे। उन साधुओं को जो भी कोई चीज की जरूरत होती थी साधुओं को जाके बापू जी दे आया करते थे। एक बार क्या हुआ कि बापू श्रद्धा राम जी गुरदास राम जी शिमला गए हुए थे, बापू श्रद्धा राम जी गए हुए थे तो उनके साथ बीबी चिंती बीबी माया और लक्ष्मण दास जी भी थे। तो इन तीनों को बापू श्रद्धा राम जी ने कहा कि आओ तुम्हें कुछ दिखाएं, बापू जी कह रहे हैं कि आओ तुम्हें कुछ दिखाएं ये कहा और अपने तीनों दास को लेके बीबी चिंती बीबी माया और लक्ष्मण दास जी को लेके बापू श्रद्धा राम जी महाराज जी गए एक जंगल की ओर लेके। जंगल की ओर गए आगे बढ़ते गए तो उन्होंने क्या देखा वहां पे कि बापू गुरदास राम जी महाराज जी एक झरने के पास एक टांग पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं बापू जी। तो उन्हें शरीर की कोई स्थिति नहीं है बापू जी को और मुख मंडल जो है बापू जी का इतना शांति का भाव लिए हुए है बापू गुरदास राम जी का और ईश्वर चिंतन में निमग्न है बिल्कुल। उन्हें कुछ नहीं पता उनके पास कौन है, बापू श्रद्धा राम जी खड़े हैं तीनों भक्त खड़े हैं और तब उन्हें देख के बापू श्रद्धा राम जी महाराज जी बड़े खुश हुए और बहुत गर्व से उन्होंने तीनों भक्तों को बापू गुरदास राम जी की ओर इशारा करके कहा कि देखो मेरा शिष्य कैसी अद्भुत भगवत भक्ति में लीन है। और ये बात सिद्ध भी होती है कि जो गुरदास राम जी थे ना वो विवाह करवाने में भी कोई रुचि नहीं रखते थे, क्यों बचपन से ही जो उनके वास्तविक जीवन का उद्देश्य था वो तो कुछ और था, वो तो भगवत प्राप्ति थी लेकिन क्योंकि माँ उनकी चाहती थी तो अपनी माँ की बात उन्होंने मानी, उनकी माँ उनकी बहू का मुख देखना चाहती थी तो उन्होंने अपनी माँ की इच्छा पूर्ति के लिए ये गृहस्थ जीवन स्वीकार किया था। तो बहुत सुंदर लीलाएं बापू गुरदास राम जी की है, बापू श्रद्धा राम जी ने अपने बेटे की तरह मानते थे। तो आज के लिए जीवन प्रसंग इतना ही, जय बापू जय बापू। बहुत सुंदर ये जो उनका जीवन, वाह वाह वाह, इतना ज्यादा शिक्षा प्रद उनका जीवन है ना बापू। आप आगे सुनेंगे चल के भी कैसे कैसे उनकी सहन शक्ति जैसे बताई वो। और ये सबसे ये एक और बात बता दूं बापू, ये जो अभी जिसके दिव्य दर्शन अभी करवाए रोजी ने हमें, ये श्री नारायण चरित जो ग्रंथ है श्री नारायण चरित रामृत, तो वो बापू गुरदास राम जी की बेटी जो रवि जी हैं तो उनकी जो डॉटर इन लॉ उन्होंने ये राशि जी हैं उन्होंने ये लिखा और उन्होंने इतनी मेहनत करके ऐसे मुझे अमेरिका में बैठे भी फोन आया था उनका लिखते हुए कि आपको बापू जी की रहमत के किस्से कुछ बताए, फिर मैंने माता पिता जी के साथ जो हुए तो वो बताए तो मतलब बात का वो भी उन्होंने दर्ज की उसमें। सो कितनी मेहनत करके उन्होंने एक एक को सेवक को कॉल करके पता दिया भी बताओ आपकी जो पर्सनल जो आपकी एक्सपीरियंस है बापूजी के साथ,
तो ये इतनी सुंदर उन्होंने ये गाथा उन्हीं की ये रचना है, ये सारा जो लिखा है सारे संतों के बारे में लिखा है, तो अपने ये बाबू गुरदास स्वाम जी के बारे में बहुत सुंदर, बड़ी हिंदी इनकी भी जैसे ये बता रहे हैं ना बापू गुरदास स्वाम जी महाराज, वैसे राशि जो है इनकी जो बेटी की डॉटर इन लॉ, तो वो भी बड़ी संस्कृत में हिंदी में बड़ा शुद्ध, मतलब उनका बड़ी संस्कृत हिंदी इंग्लिश सब में बड़ी मास्टरी, तो बहुत सुंदर जीवन इनका सारा परिवार आगे बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद रोजी, आपने सारांश में ऐसा बता के जो 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 उनके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत अभी बताया और भी बताएंगे कल, तो बहुत सुंदर है। इनका जन्मदिन आ रहा है कल, तो बड़ा खुशी की बात है। ऐसे ऐसे संत जो हमारे दरबारों में आए हैं, जो एकदम गुरु प्रभु का रूप, ये जो होता है ना, जो हरि का नाम आप जपते हो ना तो हरि जैसे ही हो जाते हो, हरि का नाम जपने से हरि जैसा ही हो जाता है, तो ये बहुत सुंदर बात है। तो ये जो संत रूप है, मैं तो मगर संतों से इतना प्रभावित होता हूँ जिसका कोई हिसाब नहीं, तो ये संतों के कारण ही ये सारा इतना जो दुनिया में सुख है, शांति है, आनंद है जीवन में, गुरुमुखों के खास करके जो जीवन में, तो इन संतों के कारण ही है। इनको कोटि कोटि प्रणाम। बापू गुरदास जी महाराज आपको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद रोजी जी, आपने बहुत सुंदर व्याख्या बताई उनके जीवन के बारे में, बापू जी की कृपा भी नहीं। अपने ही शब्दों में रोजी ने सारा बताया, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो ऐसे हैं दिन सदा जय, ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु, ऐसे मेरे सतगुरु, संते संगतां दी प्रित पाल जी मेरे सतगुरु, कर दे संगता दे दुखे अपने शीश ते लेंदे, शीश ते लेंदे, संगता दे दुखे अपने शीश ते लेंदे, शीश ते लेंदे, पूरन रब पर छुप छुप के रहंदे, छुप छुप के रहंदे, पूरे रब पर छुप छुप के रहंदे, छुप छुप के रहंदे, दर्श दे के कर दे निहाल जी मेरे सतगुरु, दर्श देंगे ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु, ऐसे जी मेरे सतगुरु, करदा दे नाल जेड़ा दरते आ जांदा, दरते आ जांदा, श्रद्धा दे नाल जेड़ा दरते होवे निश्चा पक्का, ओ खाली ना जांदा, ओ खाली ना जांदा, होवे निश्चा पक्का, ओ खाली ना जांदा, कर दिंदे ने माला माल जी मेरे सतगुरु, कर दिंदे ने माला माल जी मेरे सतगुरु, ऐसे दीन दयाल जी मेरे सतगुरु, ऐसे नाम इन्हां दा शरदा राम प्यारा, शरदा राम प्यारा, नाम इन्हां दा शरदा राम प्यारा, शरदा राम प्यारा, साडे लई ता इको एही सहारा, एही सहारा, साडे लई इको एही सहारा,
करुणा मई सरकार जी मेरे सतगुरु। ये है करुणा मई सरकार जी मेरे सतगुरु। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। दर्श तेरे दिया अखियां प्यासी अखियां प्यासी। दर्श तेरिया उड़ीकां करां दिन राती करां दिन राती। तेरिया उड़ीकां सचमुच कृष्ण मुरार जी मेरे सतगुरु। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। ऐसे दीन दयाल मेरे सतगुरु। दास हैं अर्ज सुनाउंदा अर्ज सुनाउंदा। दास है अर्ज सुनाउंदा। करुणा च बह के भुलां बख्शवांदा भुलां बख्शवांदा। ला लो चरणा दे नाल जी मेरे सतगुरु। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। ऐसे संगतां दी प्रित पाल जी मेरे सतगुरु। करदे ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। ऐसे हैं बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। बापू ठाकरी महाराज बापू ज्वाला सिंह जी महाराज बापू रूर सिंह जी महाराज जी आपकी सदा ही जय। बापू ओम नारायण दाती बापू हरनाम जी बापू शरदा राम जी आपकी सदा ही जय। बापू गुरदास राम जी बापू भानु दाती बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। पादे काटे पुलचो को माफ करना बापू जी सब दिन हरियां लिखे लाणियां सब दे घर खुशियां बतानियां निरोगी काया बख्शना सब नू। बापू जी कृपा करो अपने सेवकां दी आपे रखो आपे नाम जपावो जाया कार करे सेवक से तत्काल हो आवो सेवकां नू निकटी होए दिखावे सच्चे पातशाह भुलण अंदर सब को अभुल गुरु करतार दे मावाकां अनुसार आप जानी जाणो। बापू जी कृपा करो दीन के दाते हमरा गुण अवगुण ना विचारो कोई सच्चे पातशाह अंतरजामी अंतरजामी पुरख विधाते चरदा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगे मुख कर संत की दूरे। अंतरजामी पुरख विधाते चरदा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगे मौक कर संतन की धूरे। यही प्यारे मेनू जिन मेरा आप जी का पवित्र नाम चेत आवे नानक नाम चढ़दी कलम तेरे पंथ सरबत सरबत। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल साखी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।